हे एवरीवन, आज मैं बताऊंगी आपको अनलिमिटेड कॉपीराइट फ्री इमेज आप कहां से ले सकते हैं। आपको पता है यूट्यूब पे भी क्या चला हुआ है, अगर आप कॉपीराइट फ्री इमेज को नहीं यूज करते हैं अपनी वीडियो में तो आपको कॉपीराइट आ जाता है इमेज के ऊपर भी। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको इमेज कहां से लेनी है, कौन सी इमेज डाउनलोड करनी है, कौन सी इमेज डाउनलोड नहीं करनी है, प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइड करूंगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आपको लाइफ में कभी भी इमेज को लेके प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी भी कैटेगरी में काम करते हो, आप ब्लॉगर हैं, कुकिंग का काम करते हो, आप फैक्ट वीडियो बनाते हो, टेक वीडियो बनाते हो, किसी भी कैटेगरी में, ऑल कैटेगरीज की बात करने वाली हूँ आज मैं, आप वहाँ से अनलिमिटेड ले सकते हो आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस। मैं भी वहीं से यूज़ करती हूँ, हर क्रिएटर वहीं से यूज़ करता है, लेकिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको यूज़ कौन सी नहीं करनी है वो चीज़ें बस समझ लेना आप, ठीक है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड में चला दी है, इस पे देखते जाइए, बस आपको सब चीज़ें स्टेप टू स्टेप समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन होता है आप कहाँ से ले सकते हैं, वो आप क्रोम ब्राउजर पे जाके गूगल से, यस आप गूगल से अनलिमिटेड ले सकते हो भाई यहाँ से इमेज। लेकिन यहाँ से लेने का भी एक फार्मूला होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, कोई भी मुझे इमेज चाहिए, मान लीजिए मुझे ना यूट्यूब की इमेज चाहिए, यूट्यूब की इमेज जो PNG होते हैं वो मुझे चाहिए। चलो हम लिखते हैं यहाँ से यूट्यूब इमेज, इमेज लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, ये देखिए हमारे पास आ चुकी यूट्यूब की इमेजेस, दिख रहा है आपको बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे यूट्यूब के आ चुके हैं। आप यहाँ पे इमेज वाले सेक्शन पे जैसे क्लिक करोगे आपके पास ना पूरी की पूरी जितने भी यूट्यूब की जो इमेज होंगी, जो गूगल के पास होंगी, वो सारे के सारे आपको दिखा देगा वो। ये देखिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये वाली इमेज पसंद आ रही है, ये वाली, तो मुझे ये वाली इमेज चाहिए। आपको कोई भी इमेज लेनी हो, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ, उस तरीके को समझिएगा, और आपको गूगल से कौन सी इमेज नहीं लेनी है वो भी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मान लीजिए ये मैंने ले लिया है यहाँ से और मुझे ये पसंद आ रही है, सिंपली हम क्या करेंगे इसको होल्ड करके रखेंगे, 1 से 2 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना होता है इसको। उसके बाद आपके पास ना यहाँ पे, उसके बाद ये देखिए आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाता है, यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे देखिए आपकी ना इमेज डाउनलोड होगी आपकी गैलरी में, ठीक है, ये आपको आ गई। इस तरीके से आप बहुत सारी इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। इमेज तो आपने डाउनलोड कर ली, लेकिन अब आपको कौन सी इमेज डाउनलोड नहीं करनी है वो चीज़ समझ लीजिए। मान लीजिए मुझे एक और ये इमेज पसंद आ रही है, यूट्यूब लिखा हुआ है इसके ऊपर भी, है ना यूट्यूब। मान लीजिए यहाँ पे एक और नीचे देख लेते हैं, ये भी दिख रहा है मुझे सिल्वर कलर में, ये भी यूट्यूब है। मान लीजिए मुझे ये पसंद आ रही है बहुत ज़्यादा, मुझे ये इमेज चाहिए, लेकिन मैं इसको डाउनलोड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, ध्यान से देखिए इस पर, इमेज पर ध्यान से देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। इस पर देखिए आपको यूट्यूब के बीच में यहाँ पे दिख रहा है ना, एल में, ALAMY, एल माई भी हो सकता है, ये इस तरीके से यहाँ पे एक वाटर मार्क लगा हुआ है किसी कंपनी का, ये एक कंपनी है, इसका वाटर मार्क यहाँ पे प्रिंट है। क्यों, क्योंकि उन्होंने इस लोगो को डिज़ाइन किया है, उनका अधिकार है इस इमेज के ऊपर। अगर मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ, क्योंकि ये फ्री नहीं है भाई, ये इनकी एक वेबसाइट होगी जहाँ से इन्होंने अपलोड किया होगा इस इमेज को, अगर वहाँ से हम परचेज करते हैं तो हम इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम इस इमेज को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर वाटरमार्क दिया हुआ है, उनका अधिकार है। लोग क्या करते हैं गलतियां, यहां से वाटरमार्क वाली भी डाउनलोड कर लेते हैं आप लोग, तो वहां से कॉपीराइट क्लेम आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि ये फ्री नहीं है, ये पेड है। आपको अगर इसको चाहिए, अगर आपको चाहिए तो इनकी वेबसाइट पर जाइए और आप खरीद सकते हैं इसको, ठीक है। आपको जरूरत क्यों है, आपको ऐसी हजारों फ्री में मिल जाती हैं, लेकिन आपको वाटर मार्क वाली नहीं लेनी है। जैसे देखिए इसी तरीके की एक और ये इमेज है, इस पर भी देखिए आप पे ना, ये देखिए शटर स्टॉक का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, शटर स्टॉक नहीं है ये, ये विक्टर स्टॉक है, दिख रहा है यहाँ पे, एक विक्टर स्टॉक नाम की भी एक वेबसाइट है जो आपको बहुत सारी इमेज देती है, लेकिन वो भी एक पेड वेबसाइट है, फ्री भी मिलती है वहाँ पे, लेकिन पेड भी मिलती है। तो एक पेड, ये खरीदने वाली एक इमेज है, इसको भी आपको डाउनलोड नहीं करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है YouTube पे काम करने के लिए। आपको कोई भी ऐसी इमेज डाउनलोड नहीं करनी है किसी भी हाल में। जैसे ये एक और देखिए, इस पर भी दिख रहा है, ये अलग कंपनी का वाटरमार्क है, गोल गोल दिख रहा है आपको यहाँ पे, जलेबी जैसा, ठीक है। ये भी आपको इमेज डाउनलोड नहीं करनी है क्योंकि इस पर भी है वाटरमार्क। समझ में आया, आपको कोई भी ऐसी इमेज डाउनलोड नहीं करनी है जिसपे वाटरमार्क हो, अदरवाइज जिसपे वाटरमार्क नहीं है, यहाँ पे लाखों इमेज ऐसी हैं वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। ये हो गई आपकी गूगल क्रोम की, ठीक है, यहाँ से आप कितनी भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे यूट्यूब के लोगों का दिखाया आपको, आप यहाँ से कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपका कुकिंग का चैनल, तो आप खाने की इमेज जो डाउनलोड करते होंगे, तो खाने की इमेज भी वाटरमार्क होता है, उसको ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं ताजमहल की, अभी कोई भी समझ लीजिए, कोई भी ABC, कोई भी अगर आप यहाँ से इमेज को डाउनलोड करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी वाटरमार्क नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी का,
ठीक है। पहला तरीका तो आपका ये हो गया, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप अनलिमिटेड इमेजेस। उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेशन होती है इमेज सर्च मैन, इसको क्लिक कीजिए आप, और यहाँ से भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इमेज को डाउनलोड करने के। मान लीजिए अभी हम सर्च करते हैं यूट्यूब का लोगो, ही सर्च कर लेते हैं, ठीक है, यूट्यूब लोगो, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सर्च किया। ये मत समझना कि दीदी लोगो क्यों दिखा रही है, बस मैं आपको जो तरीका समझा रही हूँ बस उसी को समझिए। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी इमेज मिल जाती है, मान लीजिए मुझे ये वाले इमेज पसंद आ गई है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मुझे ये इमेज पसंद आ गई है, या फिर कोई भी मुझे इमेज अच्छी लग रही है यहाँ पे देखने से, ठीक है, वो मुझे डाउनलोड करनी है तो सिंपली मैं उस पर क्लिक करूँगी, उसको डाउनलोड कर लूँगी। मान लीजिए मुझे ये वाली इमेज पसंद आ गई तो मैंने इसको सिंपली डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड हो गई गैलरी में। लेकिन सेम वही सीन यहाँ पे भी है, ये देखिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी आपको यूट्यूब वाली, इस पे देखिए, इस पे भी वाटरमार्क है, वही गोल गोल जलेबी जैसा। तो आपको ये वाले भी इमेज डाउनलोड नहीं करनी है यहाँ से भी। ये मत सोचना कि क्रोम से डाउनलोड नहीं कर सकते, यहाँ से हम कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से भी आप इस इमेज को डाउनलोड नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे भी वाटरमार्क शो हो रहा है। ये इमेज डाल देते हैं गूगल पे, और गूगल पे आपको हर जगह पे शो होती है, लेकिन इनको आपको अगर चाहिए ये वाली इमेज तो आपको इनकी वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कोई अधिकार नहीं है इन इमेज के ऊपर। ये आपको क्लेम स्ट्राइक भी दे सकते हैं अगर आप इनको यूज़ करते हो, तो आपको ये वाली इमेज बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करनी है किसी भी हाल में, जिस पे वाटरमार्क हो, किसी भी कंपनी का हो। ये मत सोचना कि वाटरमार्क क्या फ़र्क पड़ता है उससे, नहीं भाई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और एक और चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, इमेज पे पहले बहुत कम कॉपीराइट आता था, कॉपीराइट इमेज पे आता ही नहीं था, लेकिन अभी हाल में कॉपीराइट बहुत ज़्यादा आ रहा है इमेज के ऊपर। एक और चीज़ समझ लीजिए, ठीक है, मान लीजिए जितने लोगों की बात हो रही है, अब यहाँ पे हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं, मान लीजिए मैं किसी फिल्म स्टार को ही सर्च कर लेती हूँ, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं, चलो अमिताभ बच्चन को सर्च कर लेते हैं, ठीक है, अमिताभ बच्चन को मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। तो मान लीजिए मैंने किसी भी एक्टर को सर्च कर लिया, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल के लिए सर्च किया क्योंकि मुझे फिलहाल में इन्हीं का नाम याद आया, तो मैंने इन्हीं को सर्च कर लिया। मान लीजिए ये इमेज है, कुछ लोग क्या करते हैं किसी भी इमेज को उठा के यूज़ कर लेते हैं अपने थंबनेल पे। आपको ऐसा नहीं करना है। अब अगर आप अमिताभ बच्चन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, मान लीजिए किसी भी क्रिएटर के ऊपर वीडियो बना रहे हो आप, तो उस वीडियो में उनका जिक्र होना चाहिए, तभी आप उनकी इमेज को थंबनेल पे यूज़ कीजिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अगर आप ऐसे ही किसी की भी इमेज यूज़ कर लोगे तो आपको क्लेम दे सकता सामने वाला। आप ऐसे ही आप किसी की भी इमेज को यूज़ नहीं कर सकते कि आपका उस वीडियो में कोई लेना देना तो है नहीं उस बंदे का, लेकिन फालतू में आपने क्लिक बैठ के चक्कर में उनकी इमेज को यूज़ कर लिया है। अगर आपको इमेज यूज़ ही करनी है तो इनके फेस के ऊपर कोई स्टार वगैरह कुछ भी लगा दीजिए, इनका फेस हाइड कर देना है आपको, ठीक है, तो आपको क्लेम वगैरह नहीं आएगा। क्योंकि अब क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े क्रिएटर स्ट्राइक भी दे रहे हैं, क्लेम भी दे रहे हैं अगर आप उनकी इमेज को यूज़ करते हो अपने थंबनेल पे। लेकिन अगर आप उनके ऊपर कोई वीडियो बना रहे हो, मान लीजिए आप कोई वीडियो बना रहे हो किसी के ऊपर, और आपने उनका थंबनेल भी यूज़ कर लिया, उस इमेज को भी यूज़ कर लिया उनका, और आपकी वीडियो में भी वो बंदा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर आप तो भाई बता रहे हो ना उनके बारे में, थंबनेल पे लगानी पड़ेगी आपको इमेज। लेकिन अगर आपकी वीडियो में कोई चीज़ है ही नहीं उनके लिए, और अगर आप थंबनेल पे यूज़ करते हो उस इमेज को, तो आपको यूज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब यही था कि मान लीजिए इसमें कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, लेकिन मैं कभी क्लेम वगैरह नहीं देती हूँ, लेकिन किसी और का कोई भरोसा नहीं। अगर आप मेरी इमेज को यूज़ करते हैं थंबनेल पे, तो मैं कभी नहीं देती हूँ किसी को क्लेम। मेरे लोग बहुत सारे इमेज यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कभी भी क्लेम वगैरह नहीं देती हूँ। मैं क्यों दूँ भाई, किसी का भला हो रहा तो होने दीजिए। लेकिन कुछ लोग आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं, उनका काम होता है दूसरे को परेशान करना, तो वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो आपको किसी की भी इमेज ऐसे बिना मर्जी के यूज़ नहीं करनी है, या फिर आप उनके बारे में कुछ ना कुछ बताइए वीडियो में, तो आप यूज़ कीजिए। क्रोम ब्राउज़र और इमेज मैन सर्च के अलावा भी आप बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, उनसे भी आप इमेज ले सकते हैं, जैसे पिक्साबे हो गई, पिक्सल्स हो गई, यहाँ से भी जाके आप इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन वहाँ से ये श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी जो वहाँ पे जो इमेज है वो पेड इमेज है, बहुत सारी फ्री भी हैं, लेकिन नया क्रिएटर है वो समझ नहीं पाता कि कौन सी फ्री है कौन सी पेड है, तो वो पेड वाली ले लेता है, उसको समझ नहीं होता तो वो पेड वाली ले लेता है। तो उसके बाद भी बहुत सारे चैनल्स पे अभी स्ट्राइक वगैरह आए हैं, क्लेम वगैरह आए हैं उनकी तरफ से, तो वहाँ तो आप जाइए मत, क्या ही फ़ायदा वहाँ से जाने का। तो यहाँ से आप बहुत सारी इमेज को ले सकते हैं, बस इस चीज़ का ख्याल रखिए, वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, किसी की मर्जी के बिना आप यूज़ मत करना किसी की इमेज। वीडियो बताइएगा आपको कैसा लगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकते हैं आप, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।